नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक देवियाँ और राजस्थान के महत्वपूर्ण किले। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, गणेश मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, गणेश मंदिर है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। दोस्तों, शादी का वो जो पहला निमंत्रण है वो इन्हीं को लिखा जाता है। पहला निमंत्रण सवाई रणथंभौर के में स्थित है, सवाई माधोपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षद माता का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? तो हर्षद माता का जो मंदिर है वो आबानेरी में स्थित है। तो हर्षद माता का मंदिर है वो आबानेरी में स्थित है, आबानेरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिल्ला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, सिल्ला देवी का मंदिर स्थित है आमेर जयपुर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जयपुर जिले के प्रतिहारकालीन नट्टी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, नट्टी माता का मंदिर हो जाएगा जय भवानीपुरा में, जयपुर में स्थित है जय भवानीपुरा, जहाँ पर नट्टी माता का मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मेहरानगढ़ का किला स्थित है, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? सभी दोस्तों को पता है, जोधपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जोधपुर का किला जिस पहाड़ी पर बना है उसका क्या नाम है? तो उसका चिड़िया नाम है दोस्तों, चिड़िया। जोधपुर का किला है वो किस पहाड़ी पर बना है? चिड़िया पहाड़ी पर, क्यों? उसकी आकृति है वो चिड़िया की तरह है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा, सच्चिया माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सच्चिया माता का मंदिर है वो ओसिया में स्थित है, जो फेमस है वहाँ पर चांदी के जो गेट लगे हैं, जो गेट है वो चांदी के हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, केवाई माता का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? तो केवाई माता का मंदिर दोस्तों नागौर जिले में स्थित है, केवाई माता का मंदिर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, ददीमती माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ददी माता का मंदिर है वो भी नागौर में स्थित है, नागौर के एक छोटे से गाँव गोट मांगलोद। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है गोट मांगलोद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग प्रसिद्ध शाके की कितनी घटनाएं मानी जाती हैं? दोस्तों, ये मिसप्रिंट है, शाके हैं यहाँ पे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हैं उसमें कितने शाके हैं हुए हैं अब तक के? तो उसमें कितने शाके हुए हैं? तीन शाके हुए हैं, कुल तीन शाके हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तीन शाके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का किला किस श्रेणी में आता है? तो गिरीश दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें, तारागढ़ है वो दो अलग अलग जिलों में आता है, एक अजमेर में आता है और एक बूंदी में आता है। तो दोस्तों, आपको यह तारागढ़ है वो अजमेर का है। यदि आपको ऑप्शन में अजमेर या बूंदी दोनों दिए गए हैं तो आप इसमें से कौन सा भी करेक्ट करके आ सकते हैं। हालांकि ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, आप दोनों में इनमें से ऑप्शन में एक आएगा, या तो अजमेर आएगा या बूंदी आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बटनेर का किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो बटनेर का किला है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, बटनेर का किला। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करणी माता का मंदिर है वो देशनोक में स्थित है, इसको चूहों वाली माता भी कहा जाता है, चूहों वाली माता, और दाढ़ी वाली माता, डोकरी माता, इसी को कहा जाता है। और जहाँ यहाँ पर जो सफ़ेद चूहा दिखाई देता है, सफ़ेद चूहा, ये भी बहुत बार पूछा गया है, सफ़ेद चूहा, उसको काबा बोलते हैं, काबा, काबा वाली माता भी बोलते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जालरा पाठन किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो जालरा पाठन है वो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है साथियों, सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जालरा पाठन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जालरा पाठन सूर्य मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो वो जालरा पाठन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साईपुरा का राम द्वार किस जिले में स्थित है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा में, साईपुरा, भीलवाड़ा रियासत भी है, ध्यान रखना दोस्तों।
अगले क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर किस शैली का है? तो किस शैली का है? शानदार शैली का, शानदार शैली का। क्वेश्चन देख लीजिएगा, चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर किस शैली का है? शानदार शैली का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर का वास्तविक नाम क्या है? तो रणथंभौर का वास्तविक नाम हो जाएगा रणथंभौर। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, दो तीन बार पूछा गया है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर में वह कौन सा मंदिर है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो हमने पहले भी बात कर ली थी, गणेश मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश मंदिर, जहाँ पे शादी विवाह के जो पहला निमंत्रण है वो दिया जाता है, गणेश मंदिर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, नाकोड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो नाकोड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो बाड़मेर में स्थित है, बाड़मेर में नाकोड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।